नमस्कार साथियों मैं डॉक्टर मनोज पांडे टूरिज़्म एडमिनिस्ट्रेशन के नए लेसन के साथ नए टॉपिक के साथ आज आप लोगों के बीच जो टॉपिक लेकर आया हुआ हूँ उसका नाम है फाइनेंशियल अकाउंटिंग टूरिज़्म के अध्याय में जब हम पर्यटन को और पर्यटन बिजनेस को समझने का प्रयास करते हैं तो हमको यह भी जानना आवश्यक होता है कि टूरिज़्म में फाइनेंस का क्या रोल है और फिनेंस की बेसिक अवधारणा क्या है इसकी परिभाषा क्या है इसकी मीनिंग्स क्या है सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस स्टार्ट विद द बेसिक मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग डियर लर्नर्स एज यू ऑल आर अवेयर विद द डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग लेट मी टेल यू द मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग दैट इज द सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग समराइजिंग एंड रिपोर्टिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस इज कॉल्ड अकाउंटिंग मीन्स सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग सिस्टमैटिक प्रोसेस मीन्स पुटिंग दिज फाइनेंशियल डेटाज इन सम फॉर्मेट्स और समराइजिंग दैम एंड रिपोर्टिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस एंड वेन वी टॉक अबाउट द डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस प्रोवाइडिंग एसेंशियल इन्फॉर्मेशन फॉर डिसीजन मेकिंग अगर एक ऐसा व्यक्ति जिसको अकाउंटिंग के बारे में जानकारी नहीं है अगर आप उसको बहुत ही ज़्यादा बेसिक बताना चाहोगे कि वट इज अकाउंटिंग आप यह कह सकते हैं अकाउंटिंग किसी बिजनेस एंटिटी का वह रूट है जिसमें वह डिसीजन मेकिंग पोजीशन पर आ जाता है बहुत बेसिक डेफिनेशन बता रहा हूं कैसे कोई भी बिजनेस प्रॉफिट में है या लॉस में है जब तक हम नहीं जान पाएंगे we won't be able to take decision of further actions that is why we do accounting so dear learners in this slide we understood the meaning of accounting and the definition of accounting with basic examples during understanding of the accounting we will have to undergo uh, many basic other formats that are followed in accounting uh, section now Accounting objectives of accounting. The basic objective of accounting is to provide financial information that is useful for making economic decisions as discussed earlier. Then scope of scope of accounting it, it encompasses financial accounting, management accounting, and cost accounting. Basic terms in accounting. Key terms include assets, liabilities, equity, revenue, and expenses. What I think that a learner who has an idea about some business plan, they must know the basic definitions of assets. What are assets? What are liabilities? What is meaning of equi equity? And what is the meaning of revenue and expenses? Here. I will describe this in short that is asset means anything anything which is physically available with us one of the best examples is cash business cash se that is called in terms of accounting asset liabilities means after opening some business entity whatever the liabilities ek jariha, jo we have to uh, perform during the operation of the business entity revenue is the amount generated during a time period. फॉर एग्जाम्पल बेसिक दैट टर्म ड्यूरेशन एनुअल टाइम जो लिया जाता है एक अप्रैल से इकतीस मार्च तक का जो टाइम लिया जाता है उस बीच में हुए ट्रांजेक्शन को हम रेवेन्यू प्रॉफिट लॉस अकाउंटिंग में अकाउंट करते हैं एक्सपेंसिस का मतलब उस बिजनेस को चलाने में हुए खर्चे नाव अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स द रूल्स एंड गाइडलाइंस दैट अस दैट अ कंपनी मस्ट फॉलो वैन रिपोर्टिंग फाइनेंशियल डेटा ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग आर फाइनेंशियल अकाउंटिंग मैनेजरियल अकाउंटिंग कॉस्ट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग अकाउंटिंग वैसे तो बहुत सिंपल लगता है लेकिन इसकी ब्रांचेज की बात करें जो इस पूरे अकाउंटिंग वर्ल्ड को पूरा करते हैं उसमें फोर बेसिक ब्रांचेज हैं वन इज फाइनेंशियल मैनेजरियल कॉस्ट एंड ऑडिटिंग बेसिकली आप लोगों ने ऑडिटिंग के बारे में सुना होगा दैट इज फाइनल टास्क ऑडिटिंग टू सुपरवाइज ऑल द ट्रांजेक्शन मेड डियर ड्यूरिंग टाइम पीरियड देन यूजेज ऑफ अकाउंटिंग यूजेज क्या है अकाउंटिंग के इट हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग प्लानिंग कंट्रोलिंग एंड परफॉर्मिंग एवेल्युएशन मीन्स अगर हमारा किसी प्रोडक्शन में किसी कंपनी में प्रोडक्शन चल रहा है इफ वी आर गोइंग वी आर हैविंग दैट एक्सपेंसेज इन रॉ मटेरियल एंड ऑपरेशनल एक्सपेंसेज एज पर द पैरामीटर सेट आर मोर देन दैट देन कंपनी नीड टू थिंक अबाउट दैट हाउ कैन वी कंट्रोल दैट लॉस मीन्स कोई चीज़ सौ रुपये की बिक रही है एम आर पी सौ है उसको बनाने में खर्चा मैग्जिम डिसाइड किया जाता है थर्टी रुपीज़ का होगा सेवेंटी का प्रॉफिट होगा उस थर्टी रुपीज़ में लेबर कॉस्ट भी है उसका रॉ मटेरियल भी है प्रोडक्शन चार्जेस सब कुछ आ जाएंगे इफ़ इज मूव्स अपवर्ड लाइक थर्टी एबव जाता है company need to think about replanning, recontrolling and performance evaluation. performance evaluation of machines as well as manpower. limitations of accounting. it does not account for non-monetary information and can be influenced by biases. similarly, accounting versus accountancy. dear learners, accounting refers to a process and accountancy is a profession. बैंक में जब हम जाते हैं तो वहाँ पर एक कैशियर होता है उसका काम कैश से रिलेटेड जॉब करना है उसी प्रकार से अकाउंटेंसी इज अ प्रोफेशन अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ हैंडलिंग अकाउंटिंग मैनेजिंग अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स अकाउंटिंग या मॉनेटरी टर्म्स को हैंडल करना इज टास्क दैट टास्क कम्स अंडर अकाउंटिंग प्रोसेस ठीक है इस ट्रा इस स्लाइड को जरा गौर से समझना अकाउंटिंग रिफर्स टू द प्रोसेस एंड अकाउंटेंसी इज प्रोसेस इज अ प्रोफेशन किसी आदमी के द्वारा किया जाने वाला काम नाव फंक्शंस ऑफ एन अकाउंटेंट इन मॉडर्न टाइम एक अकाउंटेंट के आज के समय में क्या क्या काम है उसका काम है फाइनेंशियल प्लानिंग करना बजट तैयार करना ऑडिटिंग के लिए काम करना और टैक्स प्रिपरेशन आज के समय में अकाउंटिंग में टैक्स का ही का भी बड़ा योगदान है यह एक बड़ा जिम्मेदारी का काम है टैक्स प्रिपरेशन अपार्ट फ्रॉम दिस प्रैक्टिकल सिस्टम्स ऑफ बुक कीपिंग बुक कीपिंग का मतलब होता है किसी भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड के रूप में लिखना द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग डेली ट्रांजेक्शन इन अ सिस्टमेटिक मैनर किसी से कितना रुपया लिया किसी को कितना रुपया दिया डेबिट क्रेडिट जिस एक रेड बुक जो थी हमारे पहले समय की दैट इज़ बुक कीपिंग इनिशियल फेज में वैन देयर वॉज नो मशीन इनिशियल फेज वैन देयर वॉज नो कैलकुलेटर और एनी रिकॉर्डिंग फॉर मशीनरी टूल्स नहीं थी तब एक बुक में ही इन चीज़ों को लिखा जाता था तो बुक कीपिंग का मतलब अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन को मेंटेन करके लिखना देन कैश बुक द फाइनेंशियल जर्नल दैट कंटेन्स ऑल कैश रिसिप्ट एंड पेमेंट्स कैश से रिलेटेड डेटा जिस बुक में रखा जाएगा दैट इज़ कॉल्ड कैश बुक टाइप्स ऑफ कैश बुक में क्या आता है सिंगल कॉलम डबल कॉलम ट्रिपल कॉलम कैश बुक्स मीन्स सिंगल कॉलम डबल कॉलम ट्रिपल कॉलम ये आगे जाकर आज जाके आपको डिटेल में समझाया जाएगा जैसे सिंगल कॉलम का मतलब कैश ट्रांजेक्शन रखा जाएगा जो कि डबल कॉलम की बात होगी तो बोथ कैश और बैंक ट्रांजेक्शन उसमें एंट्री की जाएगी डबल एंट्री सिस्टम का मतलब होता है मैथड वेयर एवरी ट्रांजेक्शन अफेक्टेड टू अकाउंट्स राइट रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट डेबिट वट कम्स इन क्रेडिट वट गोज आउट ये याद करने की चीज़ है डेबिट एक वर्ड है दैट इज़ यूज इन अकाउंटिंग बाई अकाउंटिंग डिपार्टमेंट और इन कॉमन लैंग्वेज दैट मीन्स वट कम्स इन दैट इज डेबिट वट गोज आउट दैट इज़ क्रेडिट मैथड्स ऑफ जर्नलाइजिंग द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन्स इज इन अर्नल जर्नलाइजिंग का मतलब जर्नल किसी कॉपी में किसी फोल्डर में किसी फाइल में लिखना कॉल्ड जर्नल। लेजर मीनिंग बुक ऑफ कलेक्टिंग ऑफ अकाउंट्स इन विच अकाउंट ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड जन लेजर बनाओ लेजर का मतलब एक अगर हम प्रैक्टिकल समझेंगे एक कॉपी जिसमें हमने लेन देन की चीजें लिखी हैं एक आदमी की और अगर कई लोगों का लेन देन लिखा है तो उसको लेजर बोले एक कॉपी एक रजिस्टर जिसके अंदर अनेक लोगों का डेटा रखा रहता है लेन देन से संबंधित तो दैट कम्स इन लेजर देन पोस्टिंग ऑफ एंट्रीज का मतलब होता है लिखना मैं अपने सबॉर्डिनेट से बोलता हूं कि सुबह से अभी तक दिन तक इतने ट्रांजेक्शन हो गए काइंडली पोस्ट दीज एंट्रीज इन सम जनरल लेजर में जब उसका एंट्री करेगा चाहे आज के समय में वो टैली में करे या किसी पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर में एंट्री करता है या रजिस्टर में मेंटेन करता है जनरल मेंटेन करता है दैट इज कॉल्ड पोस्टिंग ऑफ एंट्रीज पोस्टिंग ऑफ एंट्रीज मीन राइटिंग मेंशनिंग द अकाउंट ट्रांजेक्शन पैटी कैश बुक का मतलब होता है रिकॉर्ड ऑफ स्मॉल एक्सपेंसिज आर नॉट कन्वीनियंट टू प्ले पे बाय चेक पैटी कैश को अकाउंट्स की भाषा में ऑपरेशनल मनी कहते हैं फॉर एग्जाम्पल अ शॉपकीपर बिफोर ओपनिंग और आफ्टर सटिंग डाउन द कैश अकाउंट एक खुला पैसा जो रख देता है वहाँ पर फाइव हंड्रेड रुपीज या फाइव थाउजेंड एज पर दिजनेस टाइप वहाँ पर चीज़ें रख देगा उसके बाद वो ऑपरेशन में आएगा ऑल द टाइम्स मतलब वहाँ पर फाइव थाउजेंड जो मिनिमम पैसा है वहाँ पर इट विल इट मस्ट इट हैज़ टू बी देयर दैट इज़ पैटिकैश ऑपरेशनल मनी ट्रायल बैलेंस का मतलब होता है सेटलमेंट दैट लिस्ट बैलेंस ऑफ लेजर अकाउंट्स टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ एक्यूरेसीपिंग बैलेंस डेबिट क्रेडिट बैलेंस दैट कम्स अंडर ट्रायल बैलेंस इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चंस तो आपको ज्यादा नहीं पूछे जाते बट यू नीड टू नो द बेसिक डेफिनेशन फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट समरज द रेवेन्यूज कॉस्ट एंड एक्सपेंसिस इन इनकार ड्यूरिंग स्पेसिफिक पीरियड एंड प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट का मतलब स्टेटमेंट दैट शोज द फिनेंशियल पोजिशन ऑफ अ कंपनी बाई लिस्टिंग जहां तीनों की तीन कंपनी का स्टेटस दिखाती है कहां पर कंपनी स्टैंड करती है दैट इज इमेज शोन इन बैलेंस शीट बैलेंस शीट शोज द इमेज ऑफ द कंपनी फाइनेंशियल प्लानिंग इन टूरिज्म देखिए अकाउंटिंग हर जगह इन्वॉल्व होती है अगर टूरिज्म के विषय में जानना चाहेंगे तो फाइनेंशियल प्लानिंग इज टूरिज इन टूरिज्म इन्वॉल्व फॉरकास्टिंग रेवेन्यूज मैनेजिंग कॉस्ट एंड एलोकेटिंग रिसोर्सेज टू इंश्योर द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड एंड ग्रोथ ऑफ़ द टूरिज्म एंटरप्राइज सोर्स ऑफ फिनेंस सोर्स ऑफ फाइनेंस रिफर्स टू द वेरियस मैथड्स बिजनेसिस कैन यूज टू ऑपटेन फंड इक्विटी डेट्स ग्रांट्स और रिटेन्ड इरिंग्स अर्निंग्स टू सपोर्ट टूरिज्म ऑपरेशन एंड एक्सपेंसिस ठीक है देन स्टेप्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग फाइनेंशियल प्लानिंग स्टेप्स इंक्लूड सेटिंग फाइनेंशियल गोल्स एसेसिंग करेंट फाइनेंसिस फॉरकास्टिंग फ्यूचर नीड्स क्रिएटिंग बजट्स एंड मॉनिटरिंग प्रोग्रेस स्पेसिफिकली टेलर्ड टू द टूरिज्म सेक्टर टूरिज्म सेक्टर को फोकस करके ये स्टेप उठाए जाते हैं देन वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट इन टूरिज्म इनवॉल्स ऑप्टिमाइजिंग द बैलेंस बिटवीन करंट एसेट एंड लाइबिलिटीज टू इंश्योर स्मूथ डे टू डे ऑपरेशन देन कैपिटल बजटिंग कैपिटल बजटिंग इज द प्रोसेस ऑफ इवेल्यूएटिंग एंड सिलेक्टिंग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट सच एज न्यू होटल और अट्रैक्शन टू मैक्सिमाइज रिटर्न इन द टूरिज्म इंडस्ट्री Now, let us understand the evaluation techniques what is PV, P, PC, PV, and IRR. Evaluation techniques such as payback period, benefit cost ratio, net present value, and internal rate of return IRR are used to assess the financial viability of tourism projects then what is dividend the dividend is the portion of tourism companies earnings distributed to shareholders representing a return on their investments dear learners there are some definitions which may which may be added on this uh, unit also but this is a basic idea about financial planning that this uh, discussion that we made today can help you to answer the descriptive type of questions the accounting is endless process and the deep study can be done on the same you people can make more queries and we can go to the individual definitions of each since this is not your core subject so we will just touch the definitions and we will try to write the definitions with your examples in the examinations thank you dear learners very soon we will meet you again thank you